hello children today we will do our maths already we are finished our word problem of addition and word problem of subtraction today we will solve problem mixed problem of addition and subtraction page number 49 so here is first problem for you rohan spent 27,658 rupees for purchasing computers and rupees 16,478 on a printer and scanner. Packing and transporting the goods cost extra. Rohan spent a total of rupees. फोर्टी सेवन थाउजेंड हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सो क्वेश्चन इज बिग बट डोंट गेट फ्राइट इसको देखकर आप मत घबराइए कि इतना बड़ा प्रश्न है हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे बट जब हम इसको रीड करते हैं नॉट ओनली वन टाइम यू रीड दिस क्वेश्चन टू टाइम देन यू कैन अंडरस्टेंड वॉट इज द क्वेश्चन ओके okay. मैं आपको समझाती हूँ इसमें रोहन ने क्या किया है कि वो सबसे पहले उसने ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी एट रुपीज कंप्यूटर्स के लिए दिया कंप्यूटर लेने गया उसको परचेस किया तो उसको ये ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी एट रुपीज लगे एंड सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवनटी एट रुपीज उसको काय के लिए खर्च करने पड़े प्रिंटर एंड स्कैनर लेने के लिए तो दो बड़ी रकम उसको खर्च करनी पड़ी बाद में उसको जब वो सामान घर आता है तो उसकी पैकिंग के लिए क्योंकि जब बड़े बड़े चीज हम लेते हैं जैसे कंप्यूटर है स्कैनर है वो सब हमको ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया जाता उसको पैक करके दिया जाता है तो उसकी पैकिंग और उसको ट्रांसपोर्टिंग घर लाने तक के लिए जो खर्चा लगता है वो एक्स्ट्रा है सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर दैट आई दैट वी नो क्योंकि वो दिया है और प्रिंटर का कॉस्ट भी हमको अलग से दिया है मगर ट्रांसपोर्टिंग का और पैकिंग का अलग से चार्ज हमको नहीं बताया है ओके एंड व्हाट ही इज रोहन स्पेंट अ टोटल ऑफ फोर्टी सेवन थाउजेंड उसने फोर्टी सेवन थाउजेंड दिया तो हमको मालूम करना है हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट क्योंकि कंप्यूटर का ये रेट है प्रिंटर का ये रेट है लेकिन पैकिंग के लिए और ट्रांसपोर्टिंग के लिए कितना खर्चा आया वो हमको बताना है सो हाउ कैन वी टेल दिस चार्ज ऑफ पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सो वी विल एड दिस टू नंबर्स हम कंप्यूटर का चार कॉस्ट uh, और प्रिंटर uh, का कॉस्ट को एड करेंगे जो कॉस्ट आएगा उसको हम ये पूरे फोर्टी सेवन थाउजेंड में से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का क्या खर्च हमको लगा है सो आई विल टेल यू हाउ टू एड एंड हाउ टू सब ट्रेक फर्स्ट फर्स्ट वी विल एड टू बिग नंबर्स देन वी विल सब्रैक द सम ऑफ दिस टू नंबर्स फ्रॉम फोर्टी सेवन थाउजेंड ओके सो लुक एट हियर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एंड सिक्स सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी एट रूपीज कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड 16,478 रुपीस कॉस्ट ऑफ प्रिंटर जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि टोटल कितना रुपया हमने ये दोनों के लिए स्पेंड किया ओके सो वी विल पुट द साइन ऑफ प्लस एंड देन वी विल ऐड 8 plus 8 is 16 and 1 will be carry on. 1 plus 5 is 6. 6 and 7 is 13. So we will write here 3 and 1 will be carry on. 1 plus 6 is 7. 7 plus 4 is 11. So 1 will be here and 1 will be carry on. 1 plus 7 is 8. 8 plus 6 is 14. So 4 will be here and 1 will be carry on. One plus two is three. Three plus one is four. So, forty-four thousand and one hundred and thirty-six rupees is total cost. Total cost of computer and printer. Okay. So, uh, he spent. He is. He gave the. फोर्टी uh, सेवन थाउजेंड रुपीज टू द शॉपकीपर उसने सॉरी शॉपकीपर को फोर्टी सेवन थाउजेंड दिया जबकि उसका कॉस्ट कितना हुआ था फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स तो बचा हुआ जो पैसा है वो किसके लिए दिया उसने पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये जब नंबर हम ये जो सम आया है ये जो एडिशन आया है इसको जब हम इसमें से फोर्टी सेवन थाउजेंड में से, से सब करेंगे तो हमको पता चलेगा कि पैकिंग का खर्चा कितना लगा है ओके वी विल सब्ट्रैक्ट फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स माइनस सिक्स वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट सिक्स फ्रॉम जीरो सो वी विल गो टू द Tens place, but here is also zero, so we will go to the hundred place. Here is also the zero, so we will go to the thousand place. So from thousand, we will take one. So here will be ten, and here will be not seven; it become six. Okay. Now we he can give the um, one to tens. So here it is ten, and here it is nine because he given one to the Tense place now tens can give a, give the number one two units so here it is 10 and here it is nine now we can subtract the numbers <coughs> ten minus six is four nine minus three is six nine minus one is eight six minus four is two and four minus four is zero. So, this is 2864 rupees. And this is the charge of packing and transport. So, he asked us, what is the. <coughs> he asked us, how much did he spend on packing and transport? So, he spent. He spent what we will write answer. He spent two thousand eight hundred and sixty four rupees for packing and transport. So आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तो आप समझ सकते हो कि कब आपको एडिशन करना है कब आपको सब्ट्रैक्शन करना है वन मोर प्रॉब्लम आई विल टेल यू देन यू डू ऑल द प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ ओके सेकेंड प्रॉब्लम इज इन अ नर्सरी देयर वेयर थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी सैपलिंग्स टन हंड्रेड एटी नाइन वेयर मैंगो सैपलिंग्स एंड टेन वेयर टीक सैपलिंग्स हाउ मेनी अदर सैप्लिंग्स वेयर देअर एक नर्सरी है जहां सब तुमको छोटे छोटे पौधे बेचे जाते हैं या रखे हुए हैं तो उसमें टोटल देयर वेयर थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी सैप्लिंग्स वहां टोटल वहां पर इतने सैपलिंग्स है थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी उसमें से उसने बताया है कि ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट्टी नाइन वेयर मैंगो सैपलिंग्स ये मैंगो के छोटे पौधे है एंड टेन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी थ्री टीक सैपलिंग्स है तो वो बोल रहा है अदर्स हाउ मेनी अदर तो बाकी के कौन से है तो हमको इसमें ज्यादा काम तो नहीं करना है बट क्या करना है ये दोनों को जब हम एड करेंगे कौन सी सैप्लिंग्स ये आ, ये वाली मैंगो सैपलिंग्स और टीक सैप्लिंग्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमको नंबर पता चलेगा कि इतना तो हमारे पास है ये दोनों का मिलाकर इतना है कितना है वो देखेंगे हम और जब वो टोटल को हम इसमें से दिए हुए इस नंबर में से सब करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अदर सैपलिंग्स कितने हैं टोटल सैपलिंग्स आर थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी एंड हाउ मेनी आर द मैंगो सैपलिंग्स सो मैंगो सैपलिंग्स आर 12,000 थाउजेंड Seven hundred and eighty nine, twelve thousand seven hundred and eighty nine mango saplings. And mm, how much are the teak saplings? Ten thousand four hundred and twenty three were teak saplings, ten thousand. फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री आर टीक सैपलिंग्स सो हाउ मच आर बोथ टू बोथ सैप्लिंग्स यानी दोनों को हम अगर मिलाते हैं तो कितने सैपलिंग्स होते हैं सो वी विल एड क्यूंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू नो हाउ मेनी आर मैंगो एंड टीप टीक सैप्लिंग्स देन वी विल Subtract this sum from thirty-two thousand and one hundred and forty. So we will add this nine plus three is twelve. We will write two here and one will be carry on. Nine again one plus eight is nine. Nine plus two is eleven. So one will be here and one will be carry on. One plus seven is eight. Eight plus four is twelve. So two is here and one will be carry on. वन प्लस टू इज थ्री वन प्लस वन इज टू सो बोथ मैंगो एंड टीक सैपलिंग्स आर टुगेदर आर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व दोनों मिलाकर इतने सैपलिंग्स हुए और क्वेश्चन क्या था हाउ मेनी आर अदर्स सो वी विल सबट्रैक्ट धिस नंबर फ्रॉम धिस थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी जब ये थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी में से ये दोनों के सैप्लिंग्स का टोटल जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा की अदर सैप्लिंग्स आर हाउ मैनी सो वी विल राइट हियर अगेन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व माइनस नो 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 सॉरी व्हाट वी विल राइट हियर 32 32,140 माइनस 23,212 ये टोटल सेप्लिंग्स थे और ये मैंगो एंड टिक मैंगो प्लस थीग. अब जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अदर सैप्लिंग कितने हैं हैं ओके हम इसको अब subtract कर रहे वी कॉन्ट सबट्रैक्ट टू फ्रॉम जीरो सो वी विल टेक वन फ्रॉम टेन सो इट इज नॉट जीरो इट इज टेन एंड इट इज नॉट फोर इट विल बिकम थ्री टेन माइनस टू इज एट थ्री माइनस वन इज टू 1 minus 2. We cannot subtract these 2 from 1. So we will borrow 1 from 1000. So it is 1. Not 1, it will be 11. And it is not 2, it will become 1. 11 minus 2 is 9. Now we cannot subtract 3. This 3 from 1. So we will borrow from here. So it is not 1, it will become 11. And not 3, it is. इट विल बी टू इलेवन माइनस थ्री इज एट एंड टू माइनस टू इज जीरो सो एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट इज अदर सैप्लिंग्स ये क्या है अदर सैप्लिंग्स और इसका आंसर भी आपको लिखकर दिखाना है तो यहां थोड़ा मेरे पास तो प्लेस नहीं है फिर भी मैं लिखती हूं आंसर एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट आर अदर सैपलिंग्स ओके सो आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन में एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है तो आपको करना है मैंने आपके लिए टू प्रॉब्लम्स सॉल्व किए और आप अब ये जो बाकी के थ्री प्रॉब्लम्स है सो यू डू बाय सेल्फ देन यू विल गेट द गुड प्रैक्टिस आपको रीड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस क्वेश्चन टू टू टाइम्स देन ओनली यू अंडरस्टैंड व्हाट विल वॉट शुड वी डू इन दिस प्रॉब्लम वेन वी डू द सब्ट्रेक्शन वेन वी डू द एडिशन एंड योर प्रॉब्लम विल सॉल्व ओके थैंक यू